मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं पिछले 8-9 साल से इस देश में संविधान की बात करना, संसद की बात करना, कानून की बात करना, तमाम उन मुद्दों को उठाना जो इतिहास में दफन कर दिए गए हैं, अगर उनको हेट मॉन्गर कहा जाता है, इस देश में विघटनकारी शक्तियों की तरफ से नुमाइंदगी करने वाला कहा जाता है, तो मुझे इसमें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। न मैं किसी सत्ता को कुछ करने आया हूं, न किसी संगठन को कुछ करने आया हूं। मेरे मूल में न संगठन है न सत्ता है। जब यह सफर शुरू किया था तब से लेके अब तक सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम सब लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए, अक्सर कई प्रोग्राम में ये नारे लगते हैं, लोगों में जोश आता है। मैं सबसे विनती करता हूं कि समय समय पे नारों में बदलाव होना चाहिए। जय श्री राम, उनका हो गया काम, अब जय श्री राम का नारा, मैंने ये नहीं कहा कि उसे लगाना बंद कर दीजिए, वक्त की जरूरत है कि हर हर महादेव का नारा लगाइए। और ये बात मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं, कोई भावनात्मक बात नहीं कह रहा मैं। लंबे समय से जय श्री राम का नारा लगा और लगातार आपने लगाया तो आपके अंदर एक भाव पैदा हुआ कि हम सिर्फ जय श्री राम का नारा भी लगाते हैं या कुछ करते भी हैं। और उसी भाव ने 6 दिसंबर 1992 पैदा किया। हर हर महादेव का नारा लगाने से जो लोग समझ रहे थे कि राम मंदिर बनने के बाद अब ये चुप बैठ जाएंगे, उन्हें पता नहीं है कि ये भारत का सनातनी 90 करोड़ 40 हजार जब तक मंदिर वापस नहीं ले लेगा, इनके नारे बदलते रहेंगे। इसलिए नारे लगाने से, उसकी जय जयकार करने से जोश नहीं बढ़ता है, बल्कि जो इस राष्ट्र के दुश्मन हैं उनके पैर हिलने लगते हैं। इसलिए पूरी ताकत से जहां मिले यही नारा लगाएं, और अगर इस नारे से जिनको आपत्ति है वो कोई और रास्ता ढूंढ लें। इसमें कोई ऐसी बात नहीं मैं कह रहा हूं जिसे आप हेट मॉन्गर कह सकते हैं। आज ही की खबर है कि आपने अपने राज पे सत्ता को जिन्हें बिठाया है उन्होंने कहा है कि जो मदरसों में विशेष किस्म की शिक्षा दी जाती है, इन 70,000 मदरसों में सच में कोई पढ़ भी रहा है या कुछ और है, इसकी जांच होगी। इसलिए मैं मानता हूं इस बात को, तथ्यों पर रखता हूं अपनी बात को, क्योंकि दुनिया में जब से ये सृष्टि बनी है, ये यूनिवर्स, ये कायनात बना है, तब से लेके आज और अभी तक दुनिया में एक ही मात्र ऐसी फिलॉसफी थी जिसे आज की भाषा में आप साइंस कह सकते हैं। हमारे यहां बात बात पर ही चर्चा होती है कि साइंटिफिक टेंपर होना चाहिए। आज की जनरेशन को तमाम सारे तथ्य साइंस के बुनियाद पे चाहिए। यह बात अलग है कि एक लंबे कालखंड के कारण आपने साइंस को छोड़ दिया और तमाम किस्म के परपंचों में पढ़ के आपने अपनी तुलना, आपने उन लोगों के समकक्ष अपने आप को खड़ा कर दिया जो ये कहते हैं
कि दुनिया को कपड़े पहनने की तहजीब 1400 साल पहले उन्होंने बताई थी। जो लोग ऊंट की पीठ पर खड़े होकर के खजूर तोड़ रहे थे वो हमें तहजीब सिखा रहे हैं। और आपके नेताओं ने, संगठनों ने, धर्माचार्यों ने अपनी ड्यूटी नहीं की, अपनी जिम्मेदारी नहीं की, और हर आदमी को यह अच्छा लगने लगा कि हमें जब तक शत्रु हमारी किसी बात को अनुमोदन न कर दे तब तक हम महान नहीं कहलाएंगे। यह शत्रु से अनुमोदन कराने की बीमारी सिर्फ सनातनी हिंदू को है। हम अपनी बातों को तथ्यों पर नहीं रख सके और एक अंधी दौड़ में शामिल हो गए। कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिनको टेंपर नहीं किया जा सकता। 1400 साल पहले रेगिस्तान में एक मजहब पैदा हुआ, 2000 साल पहले कोई ईसा मसीह आए। सवाल यह है कि 2000 साल पहले दुनिया चल कैसे रही थी? एक का कहना था कि सूरज घूमता है जमीन के चारों तरफ। उनके बाद जो 1400 में आए उन्होंने कहा धरती चपटी है। अभी तक वो तय नहीं कर पे पाए कि जमीन चपटी है कि उनकी खोपड़ी चपटी है। दुनिया में जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी मजहब हैं, हर मजहब के पैदा होने की कोई ना कोई डेट है, हर मजहब का कोई प्रॉफिट है, कोई रहनुमा है, उसके भी पैदा होने की डेट है, उस रहनुमा के मरने की भी डेट है। लेकिन सनातन की न पैदा होने की कोई डेट है, सनातन की कोई किताब नहीं है। और प्रकृति का नियम है जो पैदा हुआ है वो मरेगा, और सनातन कभी पैदा ही नहीं हुआ तो मरेगा कैसे? इसलिए आज भी हमारे यहां झूठ और पाखंड चौराहे चौराहे बिक रहा है। कम नहीं हुआ है बल्कि और बढ़ गया है, क्योंकि हमको यह लगने लगा, हमें यह बताया गया देश प्रेम करो, हम देश के लिए मरना मिटना चाहते हैं। बहुत लोग हमको मैसेज करते हैं मैं देश के लिए मरना चाहता हूं। आज भी इतने लंबे कालखंड में किसी ने यह बताया नहीं कि देश और राष्ट्र में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए जो लोग देश के लिए मरना चाहते हैं वो मर ही नहीं सकते, क्योंकि आप देश के उस व्यवस्था के हिस्से नहीं है। देश के चलाने के लिए पुलिस है, सेना है, सरकार है, संसद है, उसका कोई विधान है। उससे आप एक मत हो, दो मत हो, बेराय रखें, उससे नाराजगी रखें, वो एक अलग विषय है। लेकिन देश किसी संविधान से चल रहा है, किसी व्यवस्था से चल रहा है, और वो व्यवस्था अच्छी है बुरी है ये बहस अलग है। लेकिन राष्ट्र क्या है, आपकी राष्ट्र की अवधारणा क्या है, आप राष्ट्र किसे कहते हैं, यहां से दोनों बढ़ते हैं। एक राष्ट्र की कोई सीमा नहीं होती। भारत कई बार टुकड़ों में बटा लेकिन राष्ट्र नहीं बटा। हम तमाम सारे लोगों ने, खासतौर से सनातनी हिंदुओं ने, यह मान लिया है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी कोई भूमिका नहीं है, सब कुछ सरकार करेगी।
ये एक ऐसा सिम्टम है जो ये बताता है कि जो समाज लालची, जैसे ही समाज में लालच का भाव पैदा होता है, परिवार में पैदा होता है या व्यक्ति विशेष में, इंडिविजुअल में जब पैदा होता है, वो लालच आपको कायर बनाता है। और कायर आदमी कभी लड़ने की नहीं, समझौते के रास्ते ढूंढता है।